किसी भी मूवी में कॉमेडी एलिमेंट बहुत जरूरी रहता है, उससे एक ऑडियंस बहुत जल्दी कनेक्ट करती है। और बात जब कॉमेडी किंग की हो तो सबसे पहले नाम जो हम सबके जहन में आता है वो है कपिल शर्मा का। जी हाँ, हम उनके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये कॉमेडी किंग्स की आमदनी कितनी होती है। लेकिन सबसे पहले आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो है साउथ की कॉमेडी किंग ब्राह्मण दाम की। साउथ की मूवीज में इनका होना लगभग तय है, फिल्म में हीरो हीरोइन बदलते रहते हैं लेकिन फिल्म में इनका रोल तय होता है। इनकी पॉपुलैरिटी फिल्मों में इतनी है कि ये हर एक कॉमेडी रोल को सबसे पहले हासिल कर लेते हैं। सभी डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स इनको अपनी फिल्म में साइन करना चाहते हैं। ब्राह्मण दाम ने अपने 30 साल के करियर में 1000 से भी ज्यादा फिल्में कर ली हैं। एक भाषा में इनकी 700 मूवीज हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑडियंस इनके काम की बहुत दीवानी है। फिल्मों में आने से पहले इनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ खासा ठीक नहीं थी, पर एक बार किसी तेलुगु डायरेक्टर ने इन्हें एक फिल्म दी और इनके काम से वो इतना प्रभावित हुए कि इन्हें दूसरी फिल्म देने का फैसला किया। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन हिज करियर केम ऑन द राइट ट्रैक। He has won many awards for his roles and even today he has the same energy in portraying every role which he used to had when he started. माना जाता है दक्षिण के कई हीरो से ज्यादा ये कमाते हैं। पर डे के 2 से 3 लाख रुपए लेने वाले ब्राह्मण दाम शायद अब 5 से 6 लाख रुपए लेने लगे हैं। अब बात करते हैं जमाने के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन कपिल शर्मा की। इनके शो से कौन नहीं वाकिफ है। हाल ही में इनके शो की कंट्रोवर्सी को हटा दे तो ये सभी जानते हैं कि हाईएस्ट टीआरपी इन्हीं के शो की जाती है। कपिल शर्मा टीवी के सबसे महंगे एक्टर हैं और इसका कारण है उनके शो का लगातार हिट होना। जहां पहले कपिल को पर डे 50 to 60 lakhs मिलते थे, वहीं अब चैनल ने उनके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत उन्हें सालाना 110 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि दिसंबर 2017 तक वैलिड है। यानी कि महीने के कपिल कुछ 9 करोड़ रुपए चैनल से कमाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इनकी कास्ट पर डे क्या क्या कमाती है। सुनील ग्रोवर जो कि शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी के रोल में नजर आते हैं, वो दिन के 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं। सुमोना जो कि मशहूर गुलाटी की बेटी का रोल अदा करती है, वो दिन के 6 से 7 लाख रुपए कमाती है। सिद्धू पाजी जहां 8 से 10 लाख रुपए लेते हैं, वहीं कपिल के दोस्त चंदन प्रभाकर जो कि चाय वाले का रोल करते हैं, वो पर डे 4 to 6 lakhs रुपीज लेते हैं।